दोस्तों, किसान भाइयों नमस्कार। मैं अशोक शर्मा, शेखावाटी बी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ आज, जो बहुत ज़रूरी है। जो हमने नुकसान उठाया है, जो हमने कुछ गलतियाँ की, वो गलती आप नहीं करें। दोस्तों, अपनी लापरवाही से अगर मान लीजिए किसी वजह से अपने छक्के निकल गए, जैसे किसी बॉक्स में 10 फ्रेम है और उसमें मक्की कमज़ोर हो गई किसी कारणवश, और वो छक्कों को अपन स्टोर करते हैं, तो स्टोर करने के टाइम में क्या करते हैं कि कहीं बाहर रख देते हैं। अगर बाहर रखेंगे और उनको बढ़िया से टाइट कोई पॉलीथीन में पैक नहीं करके रखेंगे, तो पोजीशन आपके छक्कों की दोस्तों ये हो जाएगी। ये देखिए, मैं आपको बारीकी से दिखा रहा हूँ। ये मोमी कीड़ा जो बोलते हैं ना, ये 15 दिन हमारी गलती से छक्के बाहर रह गए, उनकी पोजीशन ये है। देखिए, ये मोमी कीड़ा खा करके छक्कों का सत्यानाश कर दिया। अब इसका इलाज क्या है? अब देखिए दोस्तों, अभी तो टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, बारिश का समय होगा, तो इनका इलाज, दो ही इलाज है जो इन छत्तों को काम लेने वाले, दो ही इलाज है। पहला इलाज तो यह है कि अपने पास अगर ठंडे पानी की व्यवस्था हो जाए किसी भी तरह, कोई बर्फ़ का पानी हो या फ्रिज का पानी हो, कैसे भी, तो अपने को दो दो चार चार छत्तों को ठंडे पानी में कम से कम 6 घंटा ठंडे पानी में रखना है, तो जाकर के कीड़ा ख़त्म होगा। दूसरा उपाय यह है कि बड़ी सावधानी से, अगर कड़ी धूप है, हार्ड धूप है, तो उसमें अपने को छत्ते को रखना है और बार बार संभालना है। अगर नहीं संभालेंगे तो ये पिघल करके मोम बन जाएगी। ये इसमें अगर थोड़ी सी लापरवाही करेंगे, धूप में अगर सुखाएंगे, तो उसमें अपनी लापरवाही से छत्ता और भी ख़राब हो सकता है। तीसरा उपाय यह है कि इंग्लिश मेडिसिन, कोई भी तरह का कीटनाशक अगर कहीं डाल करके, कोई पॉलीथीन में, प्लास्टिक में, उसके ऊपर छत्ते आराम से, मतलब टच भी नहीं हो, पॉइजन में, जहर में टच भी नहीं हो, और कीटनाशक कोई आता है, कई नाम आते हैं उनके, नाम तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, तो कोई पॉलीथीन प्लास्टिक का एक कवर टाइप का बना करके, और उसमें वो पॉइजन, इसको छत्ते को टच नहीं हो, किसी कपड़े में पॉलीथीन में बांध करके वो रखेंगे, और उसके अंदर छत्ते लगा करके और ऊपर से कवर कर देंगे और एकदम सील पैक कर देंगे, और एक हफ्ते तक अगर सील रहेगा तो ये पूरा कीड़ा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में छत्तों को बाहर निकालना है, पानी से, अच्छे पानी से साफ करना है, और कम से कम 2 घंटे हवा में और धूप, मतलब नॉर्मल धूप और हवा में सुखाना है, उसके बाद में मक्खी में काम लेना है, नहीं तो इसमें हो सकता है कि पॉइजन का असर रह जाए। अगर पॉइजन का असर रहेगा तो अपनी मक्खी डैमेज होगी, आगे अपने सेहत में नुकसान होगा। तो दोस्तों, इन कामों में लापरवाही कभी नहीं बरते। हमने स्टोर नहीं किया, इसकी वजह से ये देख लीजिए, एक नहीं, ये देख लीजिए पूरे छत्ते, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए पूरे बॉक्स के बॉक्स खत्म हो गए, पूरे बक्से का बक्सा खत्म हो गया। एक छत्ते की कीमत मार्केट में अगर नया अभी लेके आते हैं तो कम से कम 150-200 रुपये। दूसरी बात, आज तो अपने पास, हमारे पास मान लीजिए छत्ते हैं, आपके पास छत्ते हैं, सीजन में अगर जब मक्की छत्ते मांगे, छत्ते कहाँ से लाएंगे? तो दोस्तों, इसमें लापरवाही कभी नहीं करें, और जो छत्ते निकल गए उनको तुरंत बढ़िया पॉलीथीन का कवर बना करके और एकदम एयर टाइट शील्ड करके और ठंडी छाया में स्टोर करना है। ये आप गलती नहीं करें, जो गलती हमने की है, जो नुकसान हमने उठाया, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी मेरा मधुमक्खी पालक भाई ये नुकसान उठाए। मेरी कही बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। नमस्कार।